तुम बहुत देर सो लिए, अब जल्दी से उठ जाओ एंटी वेनम। ये तो स्पाइडरमैन है, और ये एंटी वेनम को क्यों बुला रहा है? एक मिनट, एंटी वेनम तो मैं ही हूँ। अच्छा तो ये मुझे बुला रहा है, जरा जाकर पूछते हैं। एंटी वेनम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वेनम और उसके साथी सिम्बियोट्स पागल हो चुके हैं, वो इस वक्त अलग अलग डायमेंशन में है, तुम्हें उनसे भी सिम्बियोट्स को रोकना होगा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर एक चीज तो बताओ, मैं तुमसे शाम को चाय पर मिलता हूँ। क्या क्या उड़ा कर टेलीपोर्ट किया है, मतलब मेरी कोई सुनता ही नहीं। चलो चलकर अपने पहले सिम्बियोट को ढूंढते हैं। अबे ये इतना जोर से कौन चिल्ला रहा है, आवाज तो इस तरफ से ही आ रही थी। ये तो स्क्विड गेम डॉल है। अरे नहीं, ये तो साइलेंट स्क्विड गेम डॉल है। अब सुबह सुबह ये क्या चीज देखने को मिली मुझे? अरे बाप रे, इसने तो चिल्ला चिल्ला कर सारी बिल्डिंग के शीशे ही तोड़ डाले। ये पहले बार सिम्बियोट की दोस्त लगती है, पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। वैसे बेचारी तो किसी भी एंगल से नहीं लगती है, फिर भी इंसानियत के नाते जरा जाकर इसकी मदद करता हूँ। अबे बे बे बे, क्या उड़ा कर देगा इसने। अबे ये बहरी वगैरह है क्या? मैं तो उसकी मदद के लिए आ रहा था। पर वाकई में गाइस, इसकी सुपर स्क्रीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर हम भी कुछ कम नहीं है। आखिर मैं एंटी वेनम बनाऊँ आज, अगर ये लड़ नहीं चाहती तो फिर ठीक है, करते हैं फाइट। कितना दूर का फेंका है इसने, थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ। अबे अब क्यों चिल्ला रही है, अभी तो मैं दूर खड़ा था। नहीं 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 नहीं, लगता है ये ट्रक गिरने ही वाला है, भागो यहाँ से। क्या बाल बाल बचाऊंगा इसमें। ओह शिट, ये तो मेरी तरफ आ रही है, निकलो यहाँ से अब, जल्दी 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 जल्दी। ये तो मुझ पर हंस भी रही है। कोई ना, थोड़ा दिमाग लगाकर प्लान बनाते हैं। अबे ये तो और पास में आ गई, अगर ये एक बारी और चिल्ला दी ना तो हम तो सीधा पताल लोक में पहुंच जाएंगे। लगता है ये फिर से चिल्लाने वाली है, अब तो गए। बाय बाय दोस्तों, एंटी वेनम अंकल जल्दी से इधर आकर छुप जाओ। अब ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? वैसे ये सही बोल रहा है, यहाँ पर छुप जाता हूँ। चलो वो डॉल तो आगे चली गई। बच्चे तुमने सही टाइम पे मुझे बचा लिया, वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? आपकी तरह मैं भी उससे छुप रहा हूँ। हाँ पर ऐसे छुपने से कब तक काम चलेगा, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा, वरना सारा शहर जमीन के नीचे होगा। मुझे एक प्लान सूझा है, तुम जल्दी से उस क्रेन में चढ़ जाओ, मैं उस डॉल का ध्यान डाइवर्ट करूंगा और फिर इस जगह पर ले आऊंगा, फिर मेरे इशारे करने पर तुम इस कंटेनर को उस डॉल पे गिरा देना। ये प्लान तो एकदम मस्त है एंटी वेनम अंकल, मैं जल्दी से जाकर क्रेन पर चढ़ता हूँ। वो बच्चा तो क्रेन पर चढ़ चुका है, पर अब वो डॉल कहाँ गायब हो गई? वो रही, देखो कैसे घूर रही है मुझे। आजा आजा मेरे पीछे पीछे आजा, अब ये मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, बस अब मुझे मौके पर चौका मारना होगा। बच्चे तैयार हो जाओ, वो ठीक मेरे पीछे है, जल्दी से उस कंटेनर को नीचे गिरा दो। अरे ये गिराया मैंने कंटेनर। फाइनली इसका मुंह तो बंद हुआ, वरना चिल्ला चिल्ला कर इसने मेरे कानों में खुजली कर दी थी। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया बच्चे, अब तुम अपने घर जाओ। बहुत अच्छे एंटी वेनम, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट सिम्बियोट के पास भेज रहा हूँ। आराम से नहीं फेंक सकते थे क्या? गाइस अब हम फ्यूचर में 25 साल आगे आ चुके हैं, और अपना सूट भी थोड़ा अपग्रेड हो चुका है, नेक्स्ट सिम्बियोट यहीं पर होना चाहिए। पर स्पाइडर मैन ने तो नेक्स्ट सिम्बियोट का नाम ही नहीं बताया। एंटी वेनम, नेक्स्ट सिम्बियोट वेनम है, और वो कहीं भी हो सकता है। वेनम ये तो मेरे पीछे ही है, ये क्या कर रहा है तू अब? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, होश में आ वेनम। गाइस इसकी मसल्स तो देखो, पर वैसे इस सांड की हाइट कुछ ज्यादा ही नहीं है। वैसे इसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से ये मुझे ठीक से मार नहीं पा रहा है। वैसे मार पा रहा है पर कभी कभी। अबे तो मेरे पीछे पड़ गया, मैं कहता हूँ मेरे पीछे छोड़ दे। अबे रुक जा बे, ये तो मारते ही जा रहा है, मैं कहता हूँ रुक जा। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, एक दो तो मैं भी मारूंगा, ले फिर। अरे इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक बारी और मार के देखता हूँ। अरे नहीं, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा, लगता है इस डायमेंशन में इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या जोर का मारा इसने मुझे, पूरा जबड़ा हिला दिया। वो मेरे पीछे पीछे आता होगा, मुझे यहाँ से इसी वक्त भागना होगा। पता नहीं क्या ही मनुष्य ने आज का, लगता है वो यहाँ पर पहुँचने ही वाला है। इस लैब में कुछ तो काम की चीज होगी, मुझे थोड़ा शांति से और ठंडे दिमाग से सोचना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर तो बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं। हाँ एक आइडिया है मेरे दिमाग में। ओके एंडे, तेरा ही वेट कर रहा था मैं, अब वहाँ खड़ा खड़ा घूर के आ रहा है, जल्दी से आ जा मुझसे पिटने के लिए। अब जल्दी से साइड को हटता हूँ, जहाँ सही टाइम पे हटे गए हम लोग। लगता है केमिकल से टक्कर खाकर इसके होश ठिकाने आ गए होंगे। वेनम अब चल मेरे साथ। अबे ये क्या, लगता है केमिकल से टकराने की वजह से वेनम कन्वर्ट हो चुका है ज़ॉम्बी वेनम में। अब तो ये और ज्यादा भड़क चुका है, पहले जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर तो जैसे तैसे आ गए गाइस, और शायद हमने वो ज़ॉम्बी वेनम को पीछे छोड़ दिया है। अरे नहीं, ये तो अब भी मेरे पीछे है, क्या मुसीबत है। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, एक काम करता हूँ इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता हूँ, क्या पता ऊपर कुछ काम की चीज मिल जाए। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लगता है मुझे और ऊपर जाना होगा, और ज़ॉम्बी वेनम मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आज मैं बिल्कुल भी मरने के मूड में नहीं हूँ, जल्दी 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 बस कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इसको अंदर तक हिला दे, जैसे कोई स्टन गन। क्या बात है, यहाँ पर तो एक स्टन गन रखी हुई है, इसे कहते हैं किस्मत। ये तो ऊपर आ गया, अब इससे मार के देखता हूँ। अब पड़ी ना इसे, अबे ये तो फिर से खड़ा हो गया। अबे बे बे बे, नीचे को जल्दी से खड़े होते हैं अब। अबे ये इतनी जल्दी
नीचे कैसे आ गया? लगता है एक से बात नहीं बनेगी, चार पांच एक साथ मारनी होगी। ये ले अब। अब आइनस के कल ठिकाने पे मुझे मरने चला था, इसको भेजते हैं अब स्पाइडरमैन के पास। एंटी वेनम, मैंने तुम्हें वेनम को पकड़ने के लिए कहा था, तुमने तो ज़ॉम्बी वेनम को मेरे पास भेज दिया। अब क्या बताऊं स्पाइडरमैन, पकड़ने तुम्हें वेनम को गया था, फिर उस पर केमिकल गिर गया, फिर वो ज़ॉम्बी वेनम बन गया और फिर मैंने उसे स्टन गन से चला दिया। एक चीज बताऊं, तुम्हारी कहानी मैं शाम को सुनूंगा। लगता है स्पाइडरमैन मुझे ऐसे ही फेंक फेंक कर मजे लेता रहेगा। अरे गाइस, अपना सूट तो और भी अपग्रेड हो गया, पहले से काफी तगड़ा फील हो रहा है मुझे। एंटी वेनम, नेक्स्ट सिम्बियोट वेनम 2099 है, तो जरा होशियारी से काम लेना और पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छाल लेना। हाँ मैं समझ गया स्पाइडरमैन। अब ये पुलिस की सारी आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा ये आवाज तो उस पुलिस की वैन से आ रही है। अबे भाई ये क्या कर रहा है ये? क्या बाबल बचाऊ मैं, अभी गाड़ी के नीचे आ जाता। वैसे इसका इरादा मुझे मारने का ही था। एक सेकेंड, इसमें तो वेनम 2099 बैठा हुआ है, मुझे लगा स्पाइडरमैन मजाक कर रहा था। ये तो वाकई में वेनम 2099 है जो कि फ्यूचर से आया है, इससे पहले कि और लोगों को चोट पहुंचाए। जल्दी से पीछा करते हैं इसका, वहां पर एक बाइक रखी हुई है, अब जल्दी से बैठते हैं इस पर और करते हैं इसका पीछा। पर एक बात नोटिस करने वाली है, इस वेनम के पास पुलिस वालों की गाड़ियां हैं और इस वैन में एक भी पुलिस नहीं है, शायद ये सारे पुलिस वालों को खा गया होगा। इससे पहले इसकी भूख और बढ़े मुझे इसे रोकना होगा। अबे रुक जा बे, क्या मिलेगा तुझे को मार कर? मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। लगता नहीं ये रुकने वाला है। और ये लो, लगता ट्रेन भी आने वाली है। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या बचाऊंगा इसमें? कसम से मेरा तो हार्ट ही फेल हो गया था। और लगता है इन सब चक्कर में वो वेनम काफी दूर चला गया। अगर इस बाइक पे ऐसा ही पीछा करता रहा तो पता नहीं मैं उसे कौन से जन्म में जाकर पकड़ूंगा। उसे पकड़ने का तरीका मुझे पता है, वक्त आ गया है अपनी रियल पावर्स को यूज करने का। इस लिक्विड फॉर्म में मेरी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है, इसमें मैं उसे आसानी से पकड़ पाऊंगा। अब चलकर ढूंढते हैं उस वैनम को। गाइस वो रही पुलिस वैन, अब मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। जैसे ही वो मेरे पास में आएगा ना, मैं उस पर कूद पड़ूंगा। और ये कूदा मैं। अरे शिट, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार और ट्राई करता हूँ। ये कूदा मैं। अरे यार हती हो गई, ये पता नहीं कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, मुझे दूसरी पावर्स का यूज करना होगा। लगता है इस वाली पावर से काम बन ही जाएगा, आखिर ही मेरा सबसे पावरफुल हथियार है। और ये लगाया मैंने चक्कर, इससे तो काम बन ही जाना चाहिए। फाइनली 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 गाइस, वेनम 2099 ढेर हो चुका है, बहुत चक्कर लगा लिए थे इसने। अब भेजते हैं इसे स्पाइडरमैन के पास। बहुत खूब एंटी वेनम, तुमने एक और सिम्बियोट को हरा दिया है, अब बस ये आखिरी वाला सिम्बियोट बचा है। आउच, गिरा गिरा कर सारी हड्डियां चटका दी इसमें मेरी। अब खड़े होते हैं। एक सेकंड, ये तो ह्यूमन लैब की वैन है। अरे हम तो ह्यूमन लैब के पास में है, क्या हालत हो गई इस जगह की, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ होगा। जरा जाकर देखते हैं, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे ये कैसी अजीब सी चीज है, मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से। अरे मैडम डरिए मत, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। पर तुम हो कौन? मैं डूड हूँ, बस आप मुझे अपनी टीम में ही समझो। अच्छा तो सुनो डूड, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमारी साइंटिस्ट की टीम टाइम ट्रेवल पोर्टल पे काम कर रही थी, पर अनजाने में हमसे कुछ गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से वो पोर्टल अब बंद नहीं हो रहा। उस पोर्टल से एक भयानक जीव बाहर आने वाला है जिसका अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? गाइस लगता है पोर्टल में से कुछ तो चीज बाहर को आई, पर पता नहीं क्या। अबे ये किसने मारा? अबे ये तो कार्नेज है और वो भी बड़ा वाला। मैडम आप सभी लोग अपनी जन्म चक्र यहाँ से भाग जाओ, इसे मैं देखता हूँ। अबे इसने तो मुझे देख डाला, कुछ ज्यादा ही पावरफुल है ये तो, मतलब मारते जा रहा है। अबे खड़े तो होने दे मेरे भाई, ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, नहीं मानेगा तू मतलब, फिर से क्या जोर का मारा इसने मुझे, मेरे तो हाथ भी नहीं पहुंच रहे इस तक, मैं तो उसे ठीक से मार भी नहीं पा रहा हूँ, कितना लंबा है ये। अबे यार कांटो वाला अटैक, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। अरे अब ये कहाँ को जा रहा है, जरा पीछा करता हूँ इसका, ये तो बहुत ही तेज स्विंग कर रहा है, पता नहीं इसे कहाँ पहुँचने की जल्दी है, पर ये रास्ता को जाना बचाना लगता है। एक सेकेंड, ये रास्ता तो स्पाइडरमैन के लोकेशन पे जाता है, इसका मतलब कार्नेज स्पाइडरमैन को मरने जा रहा है। अगर कार्नेज स्पाइडरमैन तक पहुँच गया तो कयामत ही आ जाएगी, मुझे कार्नेज के पहुँचने से पहले स्पाइडरमैन तक पहुँचना होगा। स्पाइडरमैन कहाँ पर हो तुम? स्पाइडरमैन लगता है कार्नेज स्पाइडरमैन को ले गया है, पर एक और बुरी खबर है, हमने जो पहले तीन सिम्बियोट्स पकड़े थे वो भी यहाँ से गायब है। इसका मतलब कार्नेज ने सारे सिम्बियोट्स की ताकतों को एक कर दिया है और साथ में स्पाइडरमैन की भी। ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है, पर मैं लड़े बिना तो हार नहीं मानने वाला। स्पाइडरमैन यहीं से कोई बटन तो दबाता था। फाइनली गाइस हम टेलीपोर्ट हो ही गए। और ये क्या, इस डायमेंशन में तो रेत की आंधी चल रही है, इसके पीछे जरूर कार्नेज का हाथ होगा, पर पता नहीं उसके इरादे क्या है। पर सवाल ये है वो है कहाँ, जल्दी से इस वाली बिल्डिंग में चढ़ जाता हूँ। अबे ये क्या है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो एंटी वेनम? ये तो स्पाइडरमैन है और इसका सूट तो काफी अलग और एडवांस है, तुम मुझे सैविज स्पाइडरमैन बोल सकते हो, पर कैसी लगी मेरी ये दुनिया? पीटर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर मौजूद शैतान कार्नेज बोल रहा है। कार्नेज ने मुझे कई गुना ताकतवर बना दिया है, अब तो मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। अबे अब
ये कहाँ पर गायब हो गया? मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। एक तो इस रेत के आंधी में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और अगर ज्यादा देर हुई तो ये पूरी डायमेंशन रेत में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अबे हमारा है इसने। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? स्पाइडरमैन होश में आ, ये कार ने तुझसे कुछ भी करवा रहा है और मुझे काफी मार दिया है। अबे क्या डस्टबिन खींच के मारा है इसने। बस कुछ देर और फिर ये डायमेंशन हमेशा के लिए रेत में दफन हो जाएगी। ये तो फिर से गायब हो गया। ये बहुत पावरफुल हो चुका है, इसके साथ इतने सारे सिम्बियोट्स जुड़े हुए हैं। मुझे उन सभी सिम्बियोट्स को स्पाइडरमैन से अलग करना होगा, तभी मैं उसे हरा पाऊंगा। एक आइडिया है मेरे पास, देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। मेरे भाई स्पाइडरमैन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बाहर आ भी जाओ, मुझसे कैसी शर्म। अबे इसने मुझे पकड़ लिया। बस मेरे पास अब यही मौका इसको हराने का। मेरा सिम्बियोट इसके अंदर घुसकर इसको हरा देगा। गाइस मेरा आइडिया काम आ ही गया। अब हमारी सिटी फिर से नॉर्मल हो गई है। अरे मैं इस मेज बैंक के ऊपर क्या कर रहा हूँ और मेरे कानों से रेत क्यों निकल रही है? अब क्या बताऊँ स्पाइडरमैन, काफी लंबी कहानी है। चलो चाय पीने चलते हैं। तो गाइस वीडियो तो आप लोगों ने लाइक कर ही दी होगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।